और ये देखो हम जा रहे छोले भटूरे खाने, मेरी दादी मुझे खाते हुए मत लेना क्योंकि सबको बोल रही है मैं डाइट से हूं, लग रहा है मैं बहुत सारा रो रही हूं। और ये मतलब ये आपने देख रखा है लेकिन भाभी इसको थोड़ा अलग से वेयर करने वाली है। चलो तुम कितना भी मुंह छुपा लो पता चल ही जाएगा कि तुम हो। इन लोगों ने फोटो फिर हमारा प्री प्लान था ये कैसे नाटक करना है, असल में रेडी होकर ये मम्मी फिर डिस्टर्ब करने आ गई। हाँ हाँ ठीक है। तो ये मुझे इंट्रोडक्शन भी नहीं देने दे रहे, मैं कम से कम एक साल बाद पूरा व्लॉग बना रही हूँ, शॉर्ट मिनी व्लॉग्स चालू किए मैंने। और आज का व्लॉग बनाएंगे हम, नवरात्रि है तो हम जा रहे कहीं। और ये देखो हम जा रहे छोले भटूरे खाने और ये मेरी भाभी है और ये बोल रही है मुझे खाते हुए मत लेना क्योंकि सबको बोल रही है कि मैं डाइट पे हूँ। ठीक है तो हमारी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई, हम खा पी के आते हैं उसके बाद में हम रेडी होंगे और फिर हम जाएंगे। ठीक है मिलते हैं वहाँ पे। तो ये है मेरा लहंगा, ये तो पहनेंगे तभी दिखेगा। और ये मतलब ये आपने देख रखा है लेकिन भाभी इसको थोड़ा अलग से वेयर करने वाली है। तो चलो मैं वहाँ जा रही हूँ, उन्होंने छोले भटूरे बनाए हमको बुलाया है तो हम वहाँ पर थोड़े छोले भटूरे खा के आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हाँ तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वैसा लग रहा है। अच्छा हाँ फर्नीचर का काम चल रहा है ना बुआ के घर में, तुम कितना भी मुंह छुपा लो पता चल ही जाएगा कि तुम ही हो। तो हम आ गए थे बुआ के घर और ये अर्जिता है जिसने 10 उपवास किए थे जिसको आपने मिनी व्लॉग में देखा था। फाइनली हमारे पास आ चुके हैं, आज जाएंगे यहाँ है वो रिम्मी। ये सब पहले मेरे एक साल पहले मेरे व्लॉग्स में आते थे, सिर्फ ये नहीं आते थे, ये नए हैं, बाकी सब पुराने हैं। और ये हमारे पास है, ये हमारे साथ आज नहीं आ रही क्योंकि ये कल गई थी। आ रही है तू? अभी इसका डिस्कशन चलने दो। और यहाँ पे हमारे लिए छोले भटूरे बन रहे और इनका नीचे घर पर काम चल रहा है इसलिए यहाँ ऊपर अभी ये ऊपर मतलब ऊपर रह रहे। ठीक है चलो खाते पीते फिर मिलते। यहाँ हो गया था मेरा छोले भटूरे वाली प्लेट, उसके बाद भाभी की भी आ गई और काफ़ी टेस्टी बने थे। ये लग रहा है मैं बहुत सारा रोई हूँ पर ये प्याज काटे मैंने वो भी उस लड़की की वजह से। और अब भाभी थोड़ी हेल्प कर रही है बुआ को, उसके बाद हम जाएंगे। वैसे आप इन दोनों को जानते हो बट फिर भी मैं बता देती हूँ। हेलो बोल ऐ। और ये है रिमी, कम खा। रेंट का नीचे कितना काम हुआ ये देखने के लिए, ऊपर तो रेंट के लिए बनाया इन्होंने बट नीचे और खुद रहेंगे तो हम देखते हैं क्या क्या हुआ है अभी तक। ठीक है चलो। हाँ बाकी अभी फर्नीचर का काम चल रहा है इसीलिए, बाकी जब अभी फर्नीचर का काम स्टार्ट नहीं हुआ था मैंने तब भी शायद इसके उपवास वाले में मिनी व्लॉग में बनाई थी वीडियो, मतलब क्या दिख रहा था मैं क्या बताऊँ। अभी फर्नीचर का पूरा काम हो रहा है, उसके बाद में जब इनका पूरा घर बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या सीन है। बहुत ही प्यारा बनाया है इन्होंने, सबसे अच्छा मुझे इनका रूम लगा है। हाल फिलहाल काम चल रहा है उसमें, सब में ही काम चल रहा है। तो अभी वार्डरोब बने हैं इनके, फिर यहाँ बेड वेड भी बनेगा। दो ही रूम है इनके घर में, एक हॉल है एक किचन है, मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा है पर अच्छा है। और ये टीवी का बन रहा है तो जब पूरा बनेगा ना तब मज़ा आएगा, फिर इनके घर का होम टूर। तो ये मेरा लहंगा है, अब मुझे और इससे कर्ल करने हैं। मेकअप अभी मैंने किया नहीं है बट हाँ ये चीज़ों से मुझे मेकअप करना है। ठीक है डन। एंड इसके बाद मैं भाभी कर्ल कर रही थी मेरे बालों में और जल भी गई वो, पर फाइनली मेरे कर्ल हो गए थे उंगली जलने के बाद उनके, और कितने प्यारे कर्ल हुए। और ये ज़्यादा टाइम तक रहा नहीं था कर्ल वहाँ जाने के बाद क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट है तो फिर वहाँ जाके खुल गया। चलो हम तीनों गर्ल्स रेडी हो चुकी है। इन लोगों ने फोटो फिर हमारा प्री प्लान था ये कि ऐसा नाटक करना है, वैसे मैं ये भी रेडी हो गई हूँ। बस ये चूड़ी की जगह चूड़ी की जगह मुझे कड़ा पहनना, कोई भी मत बोलना कि बहुत क्यूट लग रही है।
और मेरी भाभी तो वैसे ही क्यूट है, बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे आज मैं भी क्यूट लग रही हूँ, ऐसा बोल सकते हो आप। बिंदी की कमी अभी भी, बिंदी की कमी अभी भी, अंकिता लोखंडे जैसी दिख रही हो पूरी। अरे यार ऐसे मत बोलो। नहीं, हमारे सारे लहंगे वहंगे धूप में डालने के थे वो। हाँ, और यहाँ पे हमारी सारी शादी में जो हमने बहुत सारी चप्पल्स खरीदी थी वो है, लेकिन अब हमको ढूंढनी पड़ेंगी जो हमने काठियावाड़ी ली थी, जो भाभी मेरे लिए लाई थी। रुक जाओ भाभी। हाँ रुक, भाभी ने चप्पल ढूंढ ली। चलो, चप्पल जो भाभी मेरे लिए लाई थी, उनकी खुद की भी है मस्त, शादी के टाइम पिंक कलर की। मेरा क्यों नहीं ला चल रहा फ्लैश? तो हम इवेंट पे पहुंच गए थे और ये भाभी भैया को बाय बोल रही थी, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा था बाय बोलना, और यहाँ इतना ट्रैफिक, और पार्थ और भैया घर आ गए थे। फिर फाइनली हम अंदर आ गए, मुझे लग रहा है आवाज आएगी। साउंड एक मुझे नहीं पता आवाज आएगी या नहीं आएगी, बट ये भव्या है मेरी स्कूल फ्रेंड, इसके साथ हम गरबा खेलने वाले थे पर हमने इसके साथ खेला नहीं, फिर हम वाले भी स्टार्ट हो गए थे हमारा। हम कहीं पे भी जाए ये गरबा खेलने, ये वाला सॉन्ग तो बजता ही बजता है। पिछली बार भी परी हूँ मैं ये वाला बजा, और इसको हमने बहुत इन्जॉय किया था, मतलब बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत गरबा किया। मैं इतना सारा तो शूट भी नहीं कर पाई, बट हाँ कुछ कुछ क्लिप्स किए मैंने, और हमने बहुत मस्ती की, हमको बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे हमारे साथ में ये जो ये वाला जो है हमारे यहाँ का बहुत ही मतलब फेमस है ये गरबा, और हम तीनों कर रहे थे, मतलब मैं, अर्जिता भाभी और उसका एक फ्रेंड था कॉलेज स्कूल का, तो हम चारों कर रहे थे, और इसी के साथ में बहुत सारे लोग और भी ऐड हो गए और ये वाला गरबा करने लग गए। उसके बाद हमको बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो फिर हम गए फूड्स और वाटर वाले काउंटर पर, फिर हमने पास ख़रीदा, फिर हम पानी पी के वापस आए, और वापस हमने गरबा किया बहुत सारा, और उसके एक घंटे बाद फिर ये ख़त्म हो गया था इवेंट। होने वाला था उससे पहले एक सॉन्ग बजने वाला था, गोथी लो जो है वो सॉन्ग, और मेरा जो भाई वो लेने आने वाला था, तो उसको थोड़ा बाहर चला गया था, तो उसको टाइम लगने वाला था। हम सोच रहे थे अच्छा एक और गाना बजा तो इतने में मेरा भाई भी आ जाएगा, तो हम सब वेट कर रहे थे, और फाइनली वो सॉन्ग बजा। बिस्किट दिए, अभी वो खा रही है, उसके बाद उस क्या पड़ा है मैं देखती हूँ उसको खिलाने के लिए। आज उसी के घर छोले भटूरे खा के आए थे, अभी बोल रही है छोले भटूरे होते तो अच्छा रहता। ये अच्छे नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, मेरे फेवरेट है। पता है किस किसने ये चीज़ वाले बिस्किट खाए वो बताना मेरे को, ठीक है? चलो इसको खिलाते हैं, फिर सोते, बहुत थक गए हम, ठीक है, बाय बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ब्लॉग।